आईपीएल 2021 के बाद से चर्चा शुरू हो गया है कि 2022 के आईपीएल में मेगा ऑक्शन जो होने वाला है वहां पर कैसा रूल्स और रेगुलेशन रह सकता है, कैसा हो सकता है मेगा ऑक्शन, कैसे दोनों टीमों का एंट्री हो सकता है और क्या क्या रूल्स रह सकता है, वो सभी एक क्वेश्चनेबल मतलब आंसर होगा अगर मैं दे पाऊँ तो। और मैं आज वही के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, पूरा वीडियो उसके बारे में होगा जो कि आईपीएल 2021 के सभी डाउट मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, बहुत सारा स्टेटमेंट लेकर आ गया हूँ तो आप साइड में देख सकते हैं ये बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन लास्ट का जो दो पॉइंट है ना, उस पॉइंट में मैं अपना ओपिनियन रखूंगा और वो दो पॉइंट सबसे ज्यादा वाइटल होने वाला है आईपीएल के प्रस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कुछ आने वाला है इस चैनल में, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो 2021 में ही मेगा ऑक्शन होने का जो रूल था वो लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 में तो मेगा ऑक्शन नहीं हो पाया है, तो इसी की वजह से 2022 में होने वाला है। और इसी की वजह से इस साल दोनों टीमों का एंट्री कंफर्म होने ही वाला है। और आई थिंक देखिए बीसीसीआई तो बिड ओपन कर दिया है कि कौन कौन सा टीम आने वाला है उसके लिए आप बिडिंग कीजिए, लेकिन लगभग जो कंफर्मेशन आ रहा है वो है अहमदाबाद को लेकर और दूसरा है लखनऊ को लेकर। ठीक है, ये दो टीम अपना जो मतलब बिडिंग पेपर है वो डाल चुका है और आई थिंक कंफर्मेशन हो गया है कि ये दो ही आने वाला है। और अहमदाबाद तो फर्स्ट चॉइस था क्योंकि वहां पर स्टेडियम हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं और संशय भी नहीं है, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला, तो इसी की वजह से ये तो होना ही था, इसमें होने ही वाला है। तो ये दो टीम का मतलब इंक्लूजन होने वाला है, तो टोटल 10 टीम होने वाला है आईपीएल 2022 में। और 10 टीम होने से ही ना बहुत सारा मतलब संशय आ जाता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कि कितना रूल रह सकता है, मतलब नया नया रूल को इंक्लूडेशन करना पड़ेगा, नया नया बहुत सारा स्ट्रक्चर को रेडी करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो अब देखिए उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है ना कि मेगा ऑप्शन तो होने वाला है, तो मेगा ऑप्शन के लिए सभी टीमों के पास कितना बैलेंस पर्स होगा। तो देखिए अभी तक जो था 80 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन इस साल वो बढ़कर हो गया है 90 करोड़ रुपए, मतलब 90 करोड़ रुपए सभी टीम को दिया जाएगा कि आप इनमें से खर्च कीजिए और इनके अंदर ही आपका टोटल 25 जनों का स्क्वाड रेडी करना पड़ेगा। तो देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि जो पिछले सालों क्या होता था कि बहुत ज्यादा दामों पर बिक जा रहा था एक एवरेज प्लेयर्स भी, तो इसी की वजह से इस साल वो नहीं होगा क्योंकि सभी प्लेयर्स सभी मतलब बड़ा बड़ा नाम भी नीलामी में आएगा, तो इसी की वजह से ये एक देखने वाला सिचुएशन होगा। और एक बात कि सभी टीमों के पास ना समान चांसेस रहेगा कि वो अपना टीम अच्छी तरह से क्रिएट करे, और अगर एक टीम क्रिएट करना हो ना तो बहुत दिन टाइम लगता है एक टीम को बनाने में, क्योंकि एक रफ होता है उसके बाद एक फेयर होता है, मतलब आप जिस प्लेयर को चाहेंगे अपने टीम में उसके बाद मतलब आपको सोचना ही पड़ेगा कि अगर मैं इस प्लेयर को नहीं पिक कर पाता हूँ तो उसके बाद मेरा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, ये भी आपको पिक करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा गणित लगता है एक, मतलब देखिए सभी जो बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बड़ा नहीं मेरे से बड़ा ही है बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर बताता है कि टारगेटेड प्लेयर्स, भाई साहब टारगेटेड प्लेयर्स का कैसे बताया जा सकता है कि इनको ही टारगेट करेंगे, मतलब वो तो मतलब एकदम मतलब हवा में बात करना हुआ कि टारगेटेड प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करना संभव है, क्योंकि देखिए आप चार प्लेयर्स को बता सकते हैं कि चार ये खिलाड़ी रिटेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद टारगेटेड प्लेयर्स की मैं इस खिलाड़ी को खरीदूंगा, मतलब राजस्थान रॉयल्स क्या पहले बता देगा कि मैं इन खिलाड़ी को खरीदूंगा और जो जो खिलाड़ी को वो चाहेगा वही को क्या वो ले पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी के ऊपर सभी बड़ा टीम दाव खेलता है। जैसा कि अगर आप बात करें ना कि डेविड वार्नर, हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आया है लेकिन उनके ऊपर बड़ा बड़ा टीम जाएगा कि हमारे टीम में भी ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो कि वो अच्छी तरह से खेले। देखिए और अगर आप देखें मुंबई की ओर, तो मुंबई की ओर से भी जो बड़ा बड़ा नाम है ना उनमें से भी बड़ा बड़ा नाम बाहर हो जाएगा आएगा, जैसे कि अब केरन पोलार्ड को पकड़ लीजिए, केरन पोलार्ड का संभावना है कि वो ऑक्शन में आएगा, तो उस पोजिशन पर बड़ा बड़ा टीम दाव लगाएगा उनके ऊपर, तो उस पोजिशन पर आप कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि ऐसा ही मैं प्लेइंग 11 को चूज करूंगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके पास पर्स भी लिमिटेड ऑप्शन है। तो इसी वजह से देखिए मुझे तो लगता है कि वैसा टारगेटेड प्लेयर बताया नहीं जा सकता है, तो कुछ नहीं मैं उसके बाद भी बताऊंगा टारगेट
रेटेड प्लेयर्स का तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से रिसर्च करके ही बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेन मुद्दा है 90 करोड़ रुपए दिया जाएगा, इसके बाद से इतना बड़ा बात निकल गया। देखिए मतलब एक अगर आप वीडियो बनाना चाहें ना, मतलब ऐसा, तो आपको पास अगर थोड़ा सा भी पढ़ के नॉलेज लिया हो तो फ्लो में निकल जाता है बहुत कुछ। तो उसके बाद जो मेन मुद्दा आता है ना, वो है रिटेन और आरटीएम प्लेयर्स कितना कितना होने वाला है 2022 के आईपीएल के लिए। तो देखिए बीसीसीआई पूरे तरह से मतलब कॉन्फर्म कर दिया था। बीसीसीआई बहुत पहले आई थिंक इस साल का जो फोर्थ टेस्ट मैच हो रहा था उससे पहले ही बीसीसीआई टोटल बता दिया था कि आप कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकता है और आरटीएम कर सकते हैं। तो देखिए बीसीसीआई टोटल बताया था कि आरटीएम का रूल आई थिंक नहीं रहेगा, मतलब मुझे भी पता है कि आरटीएम का जिक्र भी नहीं था बीसीसीआई के रूल में। तो वो बताया था कि आप पूरे तरह से रिटेन कीजिए, किन किन कंडीशन पर दो विदेशी और दो भारतीय खिलाड़ी को आप रिटेन कीजिए, अगर ये कंडीशन है एक, और उसके बाद जो कंडीशन आता है कि तीन भारतीय और एक विदेशी, मतलब टोटल अगर आप देखें ना तो मिनिमम आपको एक ओवरसीज प्लेयर रखना ही पड़ेगा और मिनिमम दो भारतीय खिलाड़ी आपको अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहें कि आप एक ओवरसीज और एक भारतीय रख लें, उसके ऊपर कोई भी रूल जारी नहीं किया है बीसीसीआई अभी भी। तो दो कंडीशन दिया है, ये दो ही था मेन कंडीशन। तो उसके बाद अगर हम देखें ना तो ये ना सभी टीम के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर दो विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं तो राजस्थान रॉयल्स जैसा टीम किसको रिटेन करेगा आप बताइए। उनके पास जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और जॉफ्री आर्चर, ये तीन बड़ा नाम है जिनको वो कतई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसकी वजह से इनके लिए एक मतलब बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है ये रूल। और उसके बाद अगर हम देखें ना मुंबई इंडियंस को, मुंबई का बात अगर करें ना तो उनका क्या बताएं, उनको भारतीय खिलाड़ी से मतलब उनके पास चॉइस नहीं, उनको छोड़ना ही पड़ेगा जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। आई थिंक ईशान किशन को छोड़ दे, आई थिंक सूर्या को छोड़ दे, आई थिंक पोलार्ड को छोड़ दे, मतलब किसको रखेगा। रोहित शर्मा, बुमराह तो भाई परमानेंट कॉन्फर्म, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और दो खिलाड़ी इन चारों में से हार्दिक भी है, किसको छोड़ेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो मुंबई की ओर से भी खराब हुआ, मतलब सभी जो जो टीम अपना अच्छा बिल्ड किया है ना उनके लिए खराब ही है। जैसा कि आप समझ लीजिए दिल्ली कैपिटल्स, रबाडा, नोकिया, ये सभी को छोड़ना ही पड़ेगा आई थिंक, मुझे लगता है। तो देखिए बहुत ही बड़ा वाला नाम ऑप्शन में आने वाला है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। तो उसके बाद जो रूल सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है वो है सुपर पिक्स। और सुपर पिक्स में क्या हो सकता है, सुपर पिक एक ऐसा रूल है जो कि पहले से फुटबॉल में लागू था। हमारा जो इंडियन फुटबॉल है और हमारा जो बाहर का मतलब विदेशी फुटबॉल लीग्स भी है ना, वहां पर ये रूल पहले से ही लागू था। कि क्या रूल है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताता हूं, तो आप सुनिए। तो देखिए दो टीम नया आएगा और आठ टीम पहले से है, जो आठ टीम पहले से है वो तो अपना रिटेंशन कर लेगा और जो जो खिलाड़ी को वो रिटेन नहीं करेगा उनको छोड़ देगा। और जो छोड़ा हुआ प्लेयर्स लोग है ना, वहां से ये जो दो जो नया टीम एंट्री लेगा वो अपना सुपर पिक करेगा, कि वो आपस में बात करेगा इंडिविजुअली प्लेयर्स से कि आप मेरे टीम में आ जाओ, मैं आपको कप्तान बना दूंगा या फिर मैं आपको वाइस कप्तान बना दूंगा या फिर टीम में रख लूंगा। तो इसके बाद आपका नेगोशिएशन होगा कि कितना पैसे में आप आना चाहेंगे, कितना पैसा पे करेगा फ्रेंचाइजी या फिर जो प्लेयर से वो कितना पैसे में संतुष्ट होगा, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद ही टोटल राय दिया जाएगा कि हाँ ठीक है आप मेरे टीम की ओर से साइन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके फेवर में, ये इतना पैसा लीजिए और मेरे टीम में आ जाइए। तो ये पहले से फुटबॉल में चला आता रहा है, लेकिन ये अभी क्रिकेट में भी होने वाला है, मतलब हमारा ऑक्शन मेगा ऑक्शन में से मतलब मेगा ऑक्शन से पहले ही होने वाला है। और इस रूल के ऊपर बीसीसीआई को भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई अभी तक ऐसा रूल कभी भी लागू नहीं किया है कि नेगोशिएशन करके प्लेयर्स को ले आना चाहिए, और ले आने के बारे में ऐसा कुछ रूल पहले नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है ना, तो आई थिंक ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि ऐसा रूल पहले से ही चला आता है फुटबॉल में। तो ये था मेन सुपर पिक्स का मेन रूल, जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो जरूर से कमेंट कीजिए, और मैं इसके ऊपर भी एक इंडिविजुअल बहुत अच्छी तरह से वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करें तो। उसके बाद दो जो मेन टॉपिक अभी तक मैं नहीं बताया, जो कि मैं बताया था कि लास्ट दो टॉपिक में मेरा राय भी मैं आपको लोगों को दूंगा, तो वहां पर आ गए है। तो क्या रूल है, सबसे पहले मैच का शेड्यूल और मैच विंडो को लेकर है। देखिए अगर दो टीमों का एंट्री होता है तो 90 मैच होने वाला है, और 90 मैच का मतलब आप समझ लीजिए दो महीना, और दो महीना का विंडो आई थिंक आईसीसी भी प्रोवाइड नहीं करेगा,
और आई थिंक सभी बोर्ड का जो खिलाड़ी लोग हैं वो 2 महीने तक एक लीग नहीं खेल पाएगा मुझे तो लगता है। तो इस सिचुएशन पर क्या करना चाहिए? देखिए बीसीसीआई तो बोल रहा है कि ग्रुप स्टेज करेगा, लेकिन ग्रुप स्टेज में भी बहुत सारा डिबेट है कि अगर आप देखिए मुंबई और चेन्नई दो बड़ा टीम, तो अगर ग्रुप अलग ग्रुप में बढ़ जाए तो अगर वो क्वालिफाई ना कर पाए तो क्या उनका गेम हम नहीं देख सकते? ये आप समझ लीजिए, अगर ग्रुप स्टेज हुआ तो वैसा ही होगा कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि ग्रुप स्टेज हो। 90 मैचेस हो, बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर का उपयोग कीजिए और पावर का उपयोग करके ही आप 30 डेज का विंडो जब बना ले पाए हैं तो 90 डेज का भी विंडो बना सकते हैं। आपके पास मतलब बीसीसीआई के पास वो कैपेसिटी है कि वो करे। आई थिंक मुझे लगता है कि बीसीसीआई कर पाएगा, और जो हमारा अभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट है वो सब कुछ कर सकता है, हमारा दादा, हमारा सौरभ गंगुली। तो इसकी वजह से देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि 90 डेज का विंडो आप निकालिए, जैसे भी हो, आप सबसे बड़ा बोर्ड है, आपका पैसे से ही आईसीसी आई थिंक चलता है, ठीक है, मतलब बहुत सारा भाग आईसीसी का चलता है बीसीसीआई के पैसे से ही। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अपना दबदबा कायम रखना पड़ेगा और 90 डेज का विंडो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आईपीएल भाई इंडिया का त्यौहार है, ठीक है, मतलब यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज, आप छोटे करके आईपीएल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 टीमों का ही आप मतलब नाम नहीं है, ये पूरा इंडिया का 140 करोड़ भारतीय का नो डाउट हमारे पास ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, अब करेगा भी आई थिंक। आप लोग इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए। और उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक है 4 फॉरेन प्लेयर्स रूल। तो देखिए अभी तक जो आईपीएल हुआ वहां पर 4 फॉरेन प्लेयर्स रूल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 2 टीमों का एंट्री नया होता है तो आप उतना बढ़िया क्वालिटी खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडिया के ओर से। तो आई थिंक देखिए अगर आप अभी का सिचुएशन देखिए और बताइए कि 8 टीम है, 8 टीम का प्लेइंग 11 खेलता है, ठीक है, और जो बेंच पर बैठा हुआ रहता है ना, तो उन खिलाड़ी से आप एक क्वालिटी प्लेइंग 11 नहीं बना सकते, क्योंकि उतना क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है इंडियन, मतलब अगर आप देखें क्वालिटी के मुताबिक तो। देखिए रेडी तो हो रहा है ना, एक एक प्लेयर प्रति आईपीएल में रेडी होता है, अच्छा निकल कर आता है, लेकिन उतना प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि 5 फॉरेन प्लेयर्स रूल कर देना चाहिए। और देखिए 5 फॉरेन प्लेयर्स अगर रूल आ जाता है ना, तो आई थिंक बहुत सारा क्वालिटी विदेशी खिलाड़ी भी खेल सकता है। आप एक बात समझिए कि सनराइजर हैदराबाद की ओर से जॉनी बेयरस्टो और अगर डेविड वार्नर ओपन करता, ठीक है, अगर इस साल भी ओपन करता तो जेसन रॉय का क्या चांस मिलता ओपनिंग में? नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इंग्लैंड का फर्स्ट चॉइस ओपनर है, लेकिन चांस नहीं मिलता। आप उधर राजस्थान रॉयल्स को देखिए, राजस्थान रॉयल्स में एविन लुइस आकर खेला, ठीक है, अगर जॉस बटलर, बेन स्टोक्स ये सब खिलाड़ी रहता तो क्या एविन लुइस का चांस मिलता? नहीं मिलता। उसके बाद आप देखिए मुंबई की ओर से बिग बैश में तबाही करता है कौन? क्रिस लिन। उनको मतलब एक मतलब 2 सीजन हो गया उनको देखा ही नहीं गया है आईपीएल, लेकिन वो मुंबई की टीम में, मतलब ये सबसे मतलब बड़ा फ्लॉ है हमारा कि हम इतना बेहतरीन खिलाड़ी को आईपीएल जैसा मंच पे चांस नहीं दे पा रहे। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि आप 5 फॉरेन प्लेयर्स अगर रूल करते हैं ना, तो देखिए इंडियन प्लेयर्स का भी कमी नहीं होगा, अगर 2 टीमों मिलाकर हो गया इंडियन प्लेयर्स का भी कमी नहीं होगा, और अगर हम सभी टीम पर 10 फॉरेन प्लेयर्स का एंट्री कर देते, मतलब 10 फॉरेन प्लेयर्स का आप कोड रख सकते हैं, उसके बाद आप उनमें से 4-5 को खिलाइए, तो ऐसा अगर करते हैं ना तो फॉरेन खिलाड़ी भी मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और उसके साथ फॉरेन कंट्री का जो ऑडियंस है ना वो भी ज्यादा पसंद करेगा। आप साउथ अफ्रीकन रसिफ हंडरटूसन को देख लीजिए, इस समय का साउथ अफ्रीकन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है रसिफ हंडरटूसन, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता आईपीएल में। तो ये सबसे बड़ा मतलब क्या बताए क्वेश्चन मार्क है हमारा नियम का अगर बताया जाए, क्योंकि अभी तक 4 फॉरेन ठीक था, लेकिन अगर आप टीम का इंक्लूजन करते तो जरूर से जरूर 5 फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर गौर दीजिए। तो यही था टोटल वीडियो, कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत कुछ शेयर किया, बहुत कुछ बताया, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का राय इस रूल के ऊपर जरूर से दीजिए, 5 फॉरेन प्लेयर्स क्या होना चाहिए वो भी जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही आईपीएल से जुड़ी हुई बहुत सारा वीडियो आ सकता है और आने ही वाला है, और इंडिया के वर्ल्ड कप के बारे में भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए बस इतना ही, बाय बाय।